प्रयागराज समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सोमवार को नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी परिसर प्रयागराज में 180 वयस्क जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध गए। सभी जोड़ों का पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न किया गया है। सामूहिक विवाह समारोह में बैंड बाजे के साथ बारात भी निकाली गई। नगर निगम और श्रम विभाग के अधिकारियों ने बारातियों का स्वागत किया। विवाह समारोह में मेयर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी और बीजेपी विधान परिषद सदस्य ने नव विवाहित जोड़ों को अपने हाथों से विवाह प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक सामग्री प्रदान की। इसके पहले उन्होंने दीप प्रज्वलित कर विवाह समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएम योगी द्वारा शुरू की गई इस योजना में हर जोड़े को 51,000 की आर्थिक मदद भी दी गई है। मेयर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने कहा है कि शादी विवाह के नाम पर दहेज की जो कुप्रथा समाज में थी उसे भी खत्म करने का योगी सरकार ने काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह प्रयाग की इस पावन पुण्य भूमि पर संपन्न हुआ है। नगर निगम के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। 180 जोड़ों का सामूहिक विवाह यहाँ पर सम्पन्न हुआ, बड़े ही उत्साह बड़े ही आनंद के साथ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जोड़ों को 51,000 रुपए का उपहार नेक भी प्रदान किया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जी के कृतित्व से न केवल एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ है, बल्कि जो सामाजिक एक बुराई बन गई थी दहेज, उस दहेज नामक बुराई को भी इस सामूहिक विवाह के माध्यम से समाप्त करने का एक प्रयास हुआ है। और गरीब लोगों का विवाह हुआ है, उनके चेहरे खिले हुए हैं और उनको एक नया जीवन शुरू करने का एक अवसर प्रदान हुआ है। मैं ऐसे सभी जोड़ों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं।